Devan. I am Ashley Mishra. I am assistant professor of J.S. Singh Institute of Pharmacy, Parasarai, Sitapur. Today we discuss about camera lucida. What is camera lucida? कैमरा लुसिडा क्यों होता है? सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक इमेज आएगी कि है क्या, तो मैं आपको डिफाइन करूँ तो कैमरा लुसिडा क्या है। एक सिंपल सा ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हो। ऑप्टिकल डिवाइस से कहाँ से आया, ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड का मतलब क्या होता है? लाइट चैम्बर, मतलब किसी भी लाइट को स्टोर करके एक चैम्बर में कलेक्ट करना, इसको हम कहते हैं कैमरा लुसिडा। अब आप कैमरा लुसिडा के बारे में थोड़ा सा जान चुके होंगे, अभी किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो हम सिंपल सी बात करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको देखने के लिए, सपोज दैट ये मेरे पास मार्कर है, मार्कर को आप देखेंगे कैसे, मार्कर पे लाइट आएगी और ये लाइट का रिफ्लेक्शन हमारी आंखों में पड़ेगा, तब हम मार्कर को देख पाएंगे ना। सपोज दैट इस कमरे में अंधेरा कर दिया जाए, जो हमारा सन रेस है, सन रेस नहीं आएगी तो क्या हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। सेम ही प्रोसीजर हमारा फॉलो होता है, सेम ही प्रिंसिपल काम करता है कैमरा लुसिडा पे। कैमरा लुसिडा करता क्या है? कैमरा लुसिडा एग्जाम्पल से हम बात करेंगे। ये कैमरा लुसिडा है, कैमरा लुसिडा का मेनली तीन पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है? तो फर्स्ट आपको दिखेगा एक, ये है अटैचमेंट रिंग, मतलब इट्स फर्स्ट पार्ट अटैचमेंट रिंग। अब ये अटैचमेंट रिंग करता क्या है? जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, हमेशा हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ही इसको ऑब्जर्व करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो आईपीस होती है, आईपीस का प्लेस करने वाला स्थान होता है, वहां पे हम प्लेस करके इसको फिक्स करते हैं। अब दूसरा पार्ट इसमें कौन सा आता है? मैंने कहा तीन पार्ट होते हैं ना, तो दूसरा पार्ट भी होगा। दूसरा पार्ट है प्रिज्म। सेकेंड क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म कहाँ पे पाया जाता है? तो आप लोग देखेंगे जो ये हमारा मूवेबल डिवाइस होती है, मूवेबल डिवाइस के अंदर आपका एक प्रिज्म लगा होता है छोटा सा। अब प्रिज्म आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ रखा है ना, प्रिज्म क्या करता है? सन की रेस को रिफ्लेक्ट करके 7 डिफरेंट कलर्स में आपको कन्वर्ट करके दिखाता है। तो सेम ही बिग्योर जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये प्रिज्म वही काम करता है। अब हम किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप को प्लेस करके जब देखेंगे तो वह क्या एक बीम निकल के आएगी, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे उस ऑब्जेक्ट पे एक बीम होगी, जो बीम हमारा रिफ्लेक्ट किसके द्वारा होगा? प्रिज्म के द्वारा होगा। और ये प्रिज्म क्या करेगा? हमारा इस प्रिज्म से जो हमारी बीम है वो रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट किधर होगी? अब इस डायग्राम से समझते हैं कैसे करेगा काम। तो फर्स्ट आप देखोगे ये हमारा कैमरा, सॉरी ये हमारा पूरा कैमरा लुसिडा का सेटअप है। कैमरा लुसिडा में मैंने तीन पार्ट बताया, पहला आपको होता है अटैचमेंट रिंग, दूसरा प्रिज्म और तीसरा होता है हमारा मिरर। ठीक है, तो ये बेसिकली पार्ट हमारे होते हैं कैमरा लुसिडा के, तीन पार्ट पाए जाते हैं। अब जो हमारा ये बॉडी ट्यूब है माइक्रोस्कोप की, माइक्रोस्कोप का बॉडी ट्यूब है जो कि हम फेस करेंगे किससे? कैमरा लुसिडा। सब वर्क होता है, इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ अटैच करते हैं और कोई भी हमारा माइक्रोस्कोपिक इमेज है, माइक्रोस्कोपिक इमेज को हम ड्रॉ करते हैं। ये इसका बेसिकली काम है। प्रिंसिपल हम आपको बता चुके हैं, अब फिर से डिस्कस करते हैं कैसे ये वर्क करता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो ये जो हमारा बॉडी ट्यूब आपको दिख रहा है किसका? माइक्रोस्कोप का। ये बॉडी ट्यूब, बॉडी ट्यूब पे हम फिक्स करते हैं। फर्स्ट हमारा प्रोसीजर होता है, जी ये हमारा बॉडी ट्यूब है, इस बॉडी ट्यूब पे इस कैमरा लुसिडा को, जो ये हमारा रिंग है, इस रिंग की सहायता से फिक्स करते हैं और ये हमारा मूवेबल होता है। ठीक है, मूवेबल होने के बाद फिर जो हमारा माइक्रोस्कोप का लेंस